तेलुगु फिल्म महेश बाबू के गुंटूर का आरंभ देखकर आ गया हूँ दोस्तों। थिएटर तेलुगु ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था, ये देखकर मैं इतना खुश हुआ, मैं बोला कि यार अब मेरे को एंटरटेन होने से मतलब है, फिर चाहे कैसे भी होना पड़े, इसलिए मैंने फिल्म ही छोड़ दी। अब मतलब ऐसा है कि यार अगर आप त्रिविक्रम एंड महेश बाबू के स्टाइल से वाकिफ हो तो ये फिल्म आपको सुबह का नाश्ता लगेगा, जो कि 3 दिन पुराना रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं वाकिफ रहोगे तो भूखा मरो सालों। मतलब ये फिल्म की कहानी इतनी नई है कि अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। मतलब इस फिल्म के जो डायरेक्टर है त्रिविक्रम जी, वो अपने ओल्ड स्कूल फंडों से वही रूटीन वाली कहानी लाते हैं, फैमिली एंड पॉलिटिक्स, जिसको आप देखते हैं महेश बाबू के स्टाइल एंड जलवे के साथ। लेकिन आप ये सोचते हो कि चलो मेरे को पता है कि ये वही कमर्शियल फिल्म है, रूटीन सी फिल्म है, जिसको मैं ट्रेलर देख के ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आज के हिसाब से कम इन रूटीन फिल्मों में एक हाई बार तो मैं देखूं, कुछ तो अलग देखूं, कुछ तो एक हाई डोज मिले एंटरटेनमेंट का। तो ये सुन के त्रिविक्रम जी ने कदर किया एंड बोला कि ठीक है यार, चलो मैं फिल्म के अंदर कॉमेडी नहीं डालता हूं, फिल्म मेकिंग को ही कॉमेडी कर डालता हूं। अगर मैं गुंटूर कारम इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो मैं लाइन ही चेंज कर दूं अपना। मतलब इट्स जस्ट एन एवरेज फिल्म एंड स्ट्रिक्टली फॉर महेश बाबू फैंस। फन एंड मसाला बैलेंस रखते हुए चलता है फिल्म, लेकिन एक इंटरवल पे एंड क्लाइमेक्स पे एक्शन जो आपको देखने का माहौल गर्म चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इमोशन दिखाने के चक्कर में नजर ही नहीं आते। हाँ, बट महेश बाबू का श्री लीला के साथ एकदम जबरदस्त डांस प्लस कुछ कुछ डायलॉग्स प्लस वो सिगरेट वाला स्टाइल लिटरली गूज़बम्प्स तो दे देता है भाई, मैं खुद मजा लिया था। फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करूं तो महेश बाबू हैंडसम दिखते हैं, भाई साहब ने क्या एक से कपड़े बदले फिल्म में, एक्सप्रेशन नहीं। वहीं श्री लीला की बात करूं तो क्या एक नंबर डांस किए पूरे फिल्म में, इतना एनर्जेटिक। बाकी उन्होंने बोला कि एक्टिंग वो अगले फिल्म से करेगी। वहीं थमन का बीजीएम की बात करूं तो भाई उनके पास एक ही बाजा है, मतलब बजे तो बाजा नहीं तो बेच के खाजा, उनका एक ही ट्यून अब हर फिल्म में से मिला नहीं लगता है। बस एक दो गाना अच्छे थे फिल्म के जो कि वो एनर्जेटिक वो लोग डांस करते हुए उसकी वजह से जान लग जाती है महेश बाबू एंड श्री लीला की वजह से, बाकी कुछ इतना खास तो नहीं। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन तो बहुत अच्छा था, बस फिल्म का नाम रीमेक ऑफ अला वैकुंठपुरम हो जाना चाहिए था। वहीं फिल्म का बस इतना सा 1.5-2 घंटे का स्लोमो काट सकते थे तो चॉप कर दिए होते थे तो फिल्म अच्छी खासी हेल्दी नजर आती थी। ओवरऑल दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, गुंटूर कारम देखकर ऐसा लगा कि महेश बाबू का स्टारडम एक अच्छा स्क्रिप्ट डिजर्व करता है, ना कि टिपिकल सी फिल्म। यार इसे कोई हेट मत समझना, एक ऑनेस्ट फैन मेरी बातों को दिल से समझ सकता है। बाकी मैं खुद इंतजार कर रहा हूं महेश बाबू राजामौली का कोलैबोरेशन देखना, वो इंडिया का सिस्टम हिला देगा भाई साहब, देख लेना। मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार, वो भी महेश बाबू के एंड उनके स्वैग के लिए। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऑनेस्ट महेश बाबू फैन समझ सकते कि अपन ने कोई गलत बात नहीं बोली, और अगर नहीं गलत लग रही तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।